दुर्ग नगर निगम द्वारा आगामी दिनों में आयोजित होने वाली सामान्य सभा के लिए भाजपा पार्षद दल द्वारा अपने अपने सवाल निगम सचिवालय में जमा कराए गए। शहर विकास को लेकर पार्षदों ने किए हैं कई सवाल। दुर्ग नगर निगम द्वारा आगामी दिनों में 29 मार्च को दुर्ग के बीआईटी कॉलेज सभागार में निगम की सामान्य सभा बैठक आहूत की गई है, जिसके चलते भाजपा पार्षद दल द्वारा बुधवार को अपने अपने वार्ड स्तर पर किए गए कार्यों के साथ ही शहर हित और शहर विकास के कार्यों को लेकर कुछ सवाल लगाए गए हैं, जिसका जवाब होने वाली सामान्य सभा में प्राप्त करने के लिए दुर्ग निगम के सचिवालय में अपने अपने सवालों के आवेदन जमा किए हैं, जिसमें भाजपा पार्षद दल के नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा, ओम प्रकाश सिंह, काशीराम कोसरे, अजीत वैद, लीना दिनेश दिवांगन, गायत्री साहू, पुष्प गुलाब वर्मा सहित अन्य भाजपा पार्षदों ने अपने सवाल सामान्य सभा में जवाब दिए जाने को लेकर प्रस्तुत किया है। इस संबंध में भाजपा नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा ने न्यूज टीम के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी है। पार्षदों को अधिकार दी गई कि हम प्रश्न लगा सकें और उसके तहत हमने आवारा पशुओं के लिए इस सरकार की क्या कार्य योजना है, यातायात दुर्घटनाएं हो रही है उस पर शहरी सरकार की क्या योजना है, अमृत मिशन दम तोड़ रहा है तो कितनी टंकियां बनी, और 31 मार्च की यानी जो आज से 6 दिन बाकी है और उतने में कर लेंगे ये दावा कितना सच्चा है, निराश्रित पेंशन डबल करेंगे बोल के यह सरकार में आई है, यह दल सरकार में आई है, उसके लिए दुर्ग निगम ने क्या प्रयास किए हैं, इसके अलावा विभिन्न विषयों पे जो शहर में ज्वलंत हैं इन पे भाजपा पार्षद दल ने आज प्रश्न लगाए हैं। देखिए, मैं 20 सालों से इस निगम में पार्षद हूँ और बजट पे लगभग चर्चा में मैं भाग लेता रहा हूँ, चाहे किसी पद पे रहा हूँ। ये पहला वर्ष ऐसा आया है जब बजट पुस्तिका हम सबको नहीं दी गई है और यह कहा जा रहा है कि हम बजट पुस्तिका उस समय उपलब्ध कराएंगे। मेरी मांग थी पिछले वर्ष कि आप पत्रकारों को क्यों नहीं दिए, हम तो पत्रकारों तक को दिया करते थे, कौन सा गोपनीय चीज़ है, मैं कौन सा चीज़ सस्ता या महंगा करता हूँ निगम की बजट में। निगम का बजट इस शहर के विकास की कल्पना है, उसे लोगों के बीच में रखना है ताकि वो उस पर बहस कर सकें, उस पर अच्छे सुझाव दे सकें। और यह मैं मानता हूँ कि भ्रष्टाचार और अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए विधायक के इशारे पर यह कृत्य किया गया है, दुर्ग निगम में बजट नहीं देना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण पीड़ाजनक है। यह बात लोकतंत्र की लगातार हत्या हो रही इस निगम में। पिछली बार पत्रकारों को नहीं दी गई बजट की कॉपी और इस बार पार्षदों को भी नहीं दिया जाना, यह साबित करता है कि इनके काले कारनामे इतने हो चुके हैं, इससे भयग्रस्त होकर इन्होंने बजट की कॉपी हमको नहीं दी है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।